बागेश्वर जिले में हिंसक हो चुके गुलदार की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। अब गुलदार की आहट से भी ग्रामीणों की जान जाने लगी है। गुलदार अब तक बागेश्वर जिले में 5 बच्चों को निवाला बना चुका है, जबकि हाल ही में कुछ दिन पूर्व गुलदार की आहट के बाद मची भगदड़ में एक किशोर हेमंत की जान चली गई थी। हादसे से नाराज ग्रामीणों के गुस्से को शांत करने के लिए अब विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हर दिन शाम ढलते ही हिंसक गुलदार आबादी की तरफ धमक रहे हैं। अब एक लाइव सीसीटीवी कैमरे में गुलदार की तस्वीरें कैद हुई हैं। कुल मिलाकर निकाय चुनाव के माहौल में भी बागेश्वर की जनता दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। बागेश्वर में अब तक हिंसक गुलदार 5 बच्चों को निवाला बना चुका है। 5 बच्चों की उम्र 4 से 7 साल के बीच है। हाल ही में गुलदार के इलाके में घुसपैठ के चलते भगदड़ मचने से 15 साल के हेमंत टगड़िया की मौत भी हो गई थी। गुलदार के हमले को लेकर अब ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटने लगा है। वहीं निकाय चुनाव के लिए इन दोनों राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोरों पर है, लिहाजा गुलदार के हमले को भी राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी की ओर से विधायक चंदन राम दास ने कहा है कि जनता अगर एक्शन मूड में है तो मैं उनके साथ हूं। अब अगर किसी के घर में गुलदार आता है तो सबसे पहले मैं अपनी जान दूंगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग और सरकार गुलदार नहीं पकड़ पाती तो जनता जो कदम उठाएगी वो उनके साथ रहेंगे। इस तरह से लगातार गुलदार की घटना से अपना क्षेत्र शुद्ध है। शासन से बात की गई, गुलदार को पकड़ने और मारने का शासनादेश जारी हो गया है। और मैं समझता हूँ कि यदि विभाग इसमें नाकाम रहता है और जनता आगे आती है तो मैं जनता के साथ हमेशा खड़ा हूँ। वहीं गुस्साई महिलाओं ने कहा कि जब तक वन विभाग खूंखार गुलदार को आदमखोर घोषित करके मारता नहीं, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जो अकेले औरत है वो अपने बच्चों को घर छोड़ के जा रहे तो उसको बाघ ले जा रहा है। क्यों हो रहा है हमारे गांव में ऐसा? पहले वही जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए तत्काल प्रभागीय वनाधिकारी और उपजिलाधिकारी को मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। क्योंकि उसी गांव में 4 दिन पहले एक बच्चे को तेंदुए की वजह से एक बच्चे की डेथ हो गई थी। तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया था तो इसलिए सभी लोग आशंका यही कर रहे हैं कि तेंदुए की दहशत से ही डेथ हुई है। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही सिचुएशन पता चल पाएगी कि बच्चे की डेथ किस वजह से हुई है। सूबे में बागेश्वर जिला गुलदार के आतंक से सबसे ज्यादा ग्रस्त रहा। अब इसे सिस्टम की लापरवाही कहें या फिर राज्य सरकार की उदासीनता, यूं ही मासूम बच्चे कब तक इन हिंसक गुलदारों का निवाला बनते रहेंगे? संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।